आज हम आपको बताएंगे मूली का अचार कैसे बनाते हैं। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहले हम मूली को अच्छी तरह से छीलकर साफ कर लेंगे ताकि इसमें से सारी गंदगी निकल जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से भगोने में पानी लेकर धुल लेते हैं और धुल कर हम छान लेते हैं। अब हम इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट लेते हैं, चिप्स जैसे। अब कट चुका है। अब इसको हम धूप में रखेंगे सूखने के लिए। इसको हम धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। अचार में डालने के लिए मसाला अब हम पीस लेते हैं। राई 2 चम्मच, ये काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, काला नमक, ये पिसा हुआ सौंफ, जीरा, अजवाइन और अदरक। जीरा अजवाइन हम थोड़ा सा भून लेंगे, अदरक को क्रश कर लेंगे। फिर हम इस तरह मसाले को रेडी कर लेंगे। कटे हुए मूली को हम एक धूप में सुखा दिए हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। हल्दी थोड़ा सा ऐड कर देंगे और क्रश किया हुआ अदरक। और अगर आपको मिर्च पाउडर पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम सरसों का तेल थोड़ा सा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अभी हमारा अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो चुका है। अब इसको हम एक कंटेनर में भर के रख लेंगे। अब इस कंटेनर को हम 2 दिन धूप में
रख देंगे। अब हमारा ये मूली का अचार बनके रेडी हो चुका है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। अब इसी के साथ हम चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।